20, 21, 22, 23, 24, 25. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मेरा नाम है फैज और आप सभी देख रहे हैं टेक FZF। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आई हुई है। दोस्तों मैंने यूट्यूब को छोड़ दिया था क्योंकि 4 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका था, मेरी यूट्यूब पे पेमेंट कोई भी नहीं आ रही थी। एडसेंस में तो मेरी पेमेंट इकट्ठा होती थी, वहाँ से मेरे बैंक अकाउंट के लिए निकल भी जाती थी, लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से मैंने यूट्यूब को छोड़ दिया था। अब मेरी 4th मंथ की जो पेमेंट थी ना, मतलब 4 महीने की जो पेमेंट थी ना, वो एक साथ ही मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई है। तो आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा मेरी पेमेंट क्यों नहीं आ पा रही थी और मेरी पेमेंट कैसे आई और कितनी पेमेंट आई हुई है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से हमेशा की तरह बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर देना ताकि ऐसी आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं इस पेमेंट को फर्स्ट पेमेंट पता है किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अगर चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मेरी फर्स्ट पेमेंट पहले भी आ चुकी है यूट्यूब से। इसको मैं फर्स्ट पेमेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले जो पेमेंट आती थी ना, वो एडसेंस अकाउंट मेरे पापा के नाम से था, और अब जो पेमेंट आई हुई है ना, वो मेरे नाम पे एडसेंस अकाउंट है, उसमें वो पेमेंट आई हुई है। दोस्तों आज से 4 महीने पहले मेरा जो एडसेंस अकाउंट था पुराना वाला, जो मेरे पापा के नाम पे था, उसमें मेरे पापा का बैंक अकाउंट लगा हुआ था, लेकिन मेरे पापा का बैंक अकाउंट बंद हो गया, जिस वजह से उसमें मैंने अपना बैंक अकाउंट लिंक कर दिया अपने पापा के नाम वाले एडसेंस में। उससे क्या हुआ, मेरा पेमेंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र तो किया गया लेकिन मेरे अकाउंट में पहुंच नहीं पाया एडसेंस की तरफ से। तो मैंने यूट्यूब टीम से बात भी की कि 15 दिन से ज़्यादा हो गया और मेरा जो पेमेंट है ना, वो एडसेंस से मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। और उन्हें मैंने ये भी बताया कि जो मेरा अकाउंट है वो मेरे पापा के नाम से, मतलब एडसेंस अकाउंट, और जो मेरा बैंक अकाउंट उसमें लिंक है ना, वो मेरे नाम से। तो उन्होंने बताया हाँ, ये एक वजह हो सकती है जिससे आपका पेमेंट जो है वो अटक गया है, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। उसके बाद मैंने क्या किया, अपना जो एडसेंस अकाउंट था ना पापा के नाम का, उसको मैंने बंद कर दिया और एक अपना नया एडसेंस अकाउंट बना लिया अपने नाम से। तो इसको पूरा वेरीफाई होने में टोटल 3 महीने का टाइम लग गया। 3 महीने तक मेरी पेमेंट निकलती रही मेरे अकाउंट के लिए और वहीं पर फंसती रही। उसके बाद क्या हुआ, अब मेरे नाम से मेरा एडसेंस अकाउंट हो गया था। उसके बाद जैसे ही मेरे नाम से मेरा एडसेंस अकाउंट हुआ, मैंने उसमें अपना बैंक अकाउंट लिंक किया। फिर से 21 तारीख आई और मेरा पेमेंट निकल गया 21 तारीख को, और मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ। पहले मैं सोचता था कि मेरे नाम से एडसेंस नहीं है, मेरे नाम से बैंक अकाउंट में, मतलब जो पुराना वाला एडसेंस था मेरे पापा के नाम से था ना, तो इस वजह से मेरा पेमेंट नहीं आया हुआ है। लेकिन बाद में जो ये प्रीवियस मंथ की पेमेंट थी, जो पिछले महीने की पेमेंट थी, वो मेरे ही नाम से मेरा एडसेंस था और मेरे ही नाम का उसमें बैंक अकाउंट लगा हुआ था, तब भी वो फंस गया। इसी वजह से मैंने यूट्यूब बंद कर दिया था, यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाना बंद कर दिया था क्योंकि मेरा यूट्यूब से पेमेंट नहीं आ पा रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने SBI टीम से बात किया, मेरा SBI में बैंक अकाउंट है, तो उन्होंने बताया कि आप मेन ब्रांच लखनऊ चले जाइए, जहां पर आप लोगों का जो भी पेमेंट है आता है ना, वो लखनऊ में आता है, वो आप लोगों का क्लियर करके बता देंगे कि आपका पेमेंट क्यों नहीं आया हुआ है। तो मैं लखनऊ मेन ब्रांच गया और उनको बताया कि ऐसा ऐसी बात है, मेरा पेमेंट नहीं आ पा रहा, 4 महीने से मेरे अकाउंट के लिए ट्रांसफ़र तो हो रहा है लेकिन मेरे अकाउंट में पहुँच नहीं पा रहा, रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है आपकी ब्रांच से। तो उन्होंने चेक किया अकाउंट, उसके बाद उन्होंने बताया हाँ, आपका पेमेंट यहाँ पर रुका हुआ है। उसके बाद बोला कि 1 से 2 दिन में आपका पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और हाँ, 1 से 2 दिन में मेरे अकाउंट में मेरा पहला पेमेंट यूट्यूब का आ चुका है, जो कि 4 महीनों का पेमेंट एक साथ आया है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ मेरा कितना पेमेंट आया हुआ यूट्यूब से। तो दोस्तों YouTube का एक रूल रहता है कि आप लोग डायरेक्ट नहीं बता सकते कि आपका फर्स्ट पेमेंट कितना आया हुआ है। तो आप लोगों को मैं बताने के लिए, जो मेरा पेमेंट है ना, इसको मैं काउंट करूंगा, उसके बाद आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि मेरा फर्स्ट मंथ का पेमेंट कितना आया हुआ है। जितने भी मेरा पेमेंट है ना, सारे 500 के नोट्स हैं, तो इनके ही मैं काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ। तो आप लोग काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. तो आप लोग इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो मेरा फर्स्ट पेमेंट आया हुआ है ना, वो कितना आया हुआ है। आई थिंक गाइज, आप सभी लोगों को इस वीडियो से मोटिवेशन मिला होगा और आप लोगों को ये वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करना,
चैनल पे पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आप सभी लोगों को YouTube से रिलेटेड ऐसी वीडियोस इस चैनल पे देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन या मैसेज है ना मेरे लिए, तो आप लोग मुझे मेरे Instagram अकाउंट पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरा Instagram यूजर नेम है MrFaizu0713। आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर आप जो भी मैसेज करेंगे ना, मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई भी करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।